गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाना आ चुकी हैं अपने घर कल और आज हो गई है इनकी मॉर्निंग ब्रशिंग। कर लिया है बाबू ने और अब अप्लाई कर रही है क्रीम। यस, निकल गया। बड़ी परेशान थी, निकल ही नहीं रही है, निकल ही रही है। इसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी जान, क्यों थी? बाय। आर यू फीलिंग गुड नाउ अनाया? यस। अभी मेरा बेटा छोटा सा, मेरा भैया। चल अनाया नाश्ते में आज क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में? और हाँ अनार, एक फ्रूट जरूर चाहिए पापा को सुबह। बनाना ही खाने का मन है। अच्छा ठीक है, अनार और जैम। बट बाबू के लिए मैं जाती हूँ किचन में, बाबू का ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ओके, रेडी हो गया है अनाया का ब्रेकफास्ट। चलिए देते हैं अनाया को। बाबा बाबा आजा, जा आजा, उठो। हैप्पी, लुक एट मी बाबा। क्या कर रहे? अच्छा, कुछ और बनाओगे अपने आप से? हाँ जी, कट कर दें इसको, कट कर दें, अभी और डिजाइन बनानी है। आया को मेरा बनाया हुआ कुछ समझ में नहीं आया है तो ये अपने आप से कुछ डिजाइन कर रही है। पता नहीं क्या बनाएंगे। क्या बनाओगे बच्चे, क्या बनाओगे? क्या बना रहे आप? मैं उल्टा बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। उल्टा बना रहे हो यार? उल्टा बनाओ या सीधा बनाओ, व्यूवर्स मेरे बड़े अच्छे हैं, समझ लेते हैं क्या बना है। अनाया से निशात मौसी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। से निशात मौसी लव यू। हाँ, उन्होंने कमेंट किया है कि वो हमें देखती हैं और हमारी वीडियोज पसंद करती हैं। थैंक निशात। किसी दिन निशात मौसी के घर भी चलना है ना, मौसी बुलाती है ना। यस, यू आर टेकिंग टू मच टाइम अनाया। मैंने ले लिया है अपना शॉवर, बज रहे हैं सुबह के 10:30। जाके मैं कुछ किचन का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आज मुझे लगवानी है मेहंदी और मेरी मेहंदी वाली जो आती है ना उसका नाम है फिज़ा, तो उसने बोला कि मैं 12:30 या 12 बजे तक आता हूँ। उससे पहले मुझे घर के काम थोड़े से फिनिश करने पड़े क्योंकि मेरी जो भुक्खड़ बेटी है ना, इसको तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है। लग जाती है नहीं अनाया, है ना? तो पहले मैं इनके लिए किचन में कुछ प्रिपेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ मेहंदी के लिए। अनाया फिर घुस गई हैं अपने रूम में और मैनेज कर रही हैं अपना रूम। कल हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे क्या कहते हैं, इन लोगों को पोंछ के साथ जो टॉयज इनको रख दिया था, बेडशीट चेंज कर दी थी और टेबल इधर उधर लगा दी थी। आज अनाया कर रही हैं अपने टॉयज को अरेंज। एक्चुअली यहाँ पर कोई वार्डरोब नहीं है और वी आर जस्ट क्या है, ब्रोकली। यस, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता तो हम लोगों को ना मैनेज ही करना है। ये है अनाया का किचन सेट, एक ये किचन सेट है। अनाया के किचन सेट में खाना कुक होता है क्या? हाँ अनाया, कुक होता है क्या खाना, दिखाएं। अरे वाह, इसमें तो खाना, इसकी वॉइस चली गई बच्चे, सेल डाउन है। हाँ क्या, जब कुछ रखते हैं तब? अच्छा, इसमें जब कुछ रख देंगे तब आवाज़ आएगी। हाँ चलें, अनाया कर रही है रसगुल्लों की बात कर रहे थे, उन रसगुल्लों की प्रिपरेशन चल रही है। ये है हमारी बड़ी बुआ जी, यानी कि छोटी बुआ जी की सिस्टर। बुआ जी इनका वेट कर रही थी कि आके रसगुल्ले बनाए। बुआ बहुत टेस्टी बनाती है ना। ओह माय गॉड, खाने के बाद बताना। नहीं मैंने खाया है ना, तारीफ भी सुनी है। आज बुआ ने किचन इधर बाहर क्यों निकाल ली? बुआ जी किचन बाहर क्यों निकाल ली? बनाएंगे। अच्छा जी, हमें बता देती है, वही आ जाते। पड़ी है। हम तो बच गए हेल्प करने से, बड़ी बुआ आ गई हैं तो सारे काम बन गए। बनवाओ जल्दी, बन जाएंगे। हम खाने के लिए बैठे हैं। वीडियो बना रही हो है बुआ? काम चोरी करती हूँ। हम काम चोरी करते हैं? नहीं, हाँ देखा, बड़ी बुआ से सुनिए मेरी तारीफ। अच्छा, जो पास में रहता है उसकी कदर नहीं होती। अच्छा, और क्या? चले जब बन जाएंगे रसगुल्ले फिर आपको दिखाते हैं, अपडेट करते हैं रसगुल्ले। चल रही है रसगुल्लों की प्रिपरेशन और बुआ बिजी है बातों में। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने क्योंकि मेरी मेहंदी वाले का फोन आ गया। बुआ मैं लगवा लूँ फिर आप लगवाना, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से करें, मिलते हैं बाहर।
फिज़ा आ चुकी हैं और मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है। जब मेहंदी पूरी लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ी स्पीड में लग रही है मेहंदी मेरी, देखिए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे और मेरी मेहंदी ये बाबू के भी लग गई दोनों हाथों में मेहंदी। आर यू हैप्पी नाउ? ये बाबू ने बोला था राखी जैसा बनाओ तो हाथ में राखी जैसा बन गया, सो ब्यूटीफुल है ना। फिज़ा दीदी ने खूब सुंदर सी मेहंदी लगा दी बाबू के हाथों में। दोनों हाथों में लग चुकी है मेहंदी और आगे और पीछे दोनों तरफ मेहंदी बहुत खूबसूरत लगाई है। थैंक यू सो मच फिज़ा। मेरी लग चुकी है दोनों हाथों में मेहंदी और अब बारी है बड़ी बुआ की। बड़ी बुआ लेके बैठी है फोन की, मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए, है ना बुआ? यस। और छोटी बुआ है इंतजार में, आराम फरमा रही हैं और अनाया लगवा चुकी हैं, इन्होंने छुटा भी दिए है ना, चढ़ जाएगी। फिलहाल आज जो है लग रहा है कि हाँ फेस्टिवल कल है ना, यही सब चीज़ें हमें याद दिलाती हैं, जुड़ी रहती हैं चीज़ें। हाँ जी बुआ, चार्ज करेंगे साड़ी पहनाने का। हाँ बहुत प्यारी मेहंदी लग जाएगी ना फिर। बुआ अपने मन से देख रही हैं, शायद उनको समझ में नहीं, बुआ को अरेबियन लगवानी थी और वो फुल हैंड लगा रही है। कितनी सुंदर है फुल हैंड तो, है ना? सुंदर है लेकिन बट मुझे पसंद नहीं। हाँ अरेबियन मुझे तो पूरी भरी हुई अच्छी लगती है। आप क्यों बैठी हैं बुआ जी, लेट जाइए। क्या बचा है? अरे बैठ लीजिए, गॉसिप कर लीजिए। अपना तब तक काम लेता है। सच में यार अपने शौक पूरे करने के लिए भी हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। ऑलमोस्ट आधी लग चुकी है। और पता है मेहंदी लगाते वक्त ये खासियत है कि हम लोग जब भी मेहंदी लगाते हैं ना तो सबको क्या मस्ती है बुआ जी, खुजली खुजली। ऐसे चाहे ना हो रही हो लेकिन जैसे ही मेहंदी लगनी स्टार्ट होगी तो कहीं यहाँ कहीं यहाँ। क्यों अनाया को भी हो रही थी ना, है ना? कहाँ पे हो रही थी अनाया को? ये फैक्ट है, ये सच में और होती है खुजली। जैसे ही हो जाएगी ये काम के एकदम खुजली भी चली जाएगी। बुआ जी लेके आ गई हैं अपना पिटारा, ये साड़ी शायद बुआ जी लाई हैं। पिटारा पिटारा लगाती है साफ बुआ जी की बहू। मतलब बुआ जी की बहू लाई हैं, देख लो प्यार मोहब्बत इसे कहते हैं। साड़ी अच्छी है? हाँ साड़ी अच्छी सुंदर, प्यार से दी हुई चीज अच्छी होती है ना बुआ? सुंदर है। अब लेट आई है वरना बनवा के पहनती। कब पहनेंगी? हाँ कल तो हरीश पहनेंगी, वो प्रिपेयर करा ली है, ब्लाउज व्लाउज स्टिच करा लिया है। हाँ बड़ी बुआ की बहू जी लाई है। बहू का नाम क्या है? प्रियंका, प्रियंका चोपड़ा। हाँ तो हमारी भाभी किसी प्रियंका चोपड़ा से कम थोड़े ना। हाँ बरेली की है, देखो कोइंसिडेंस, देखो बुआ भी बरेली की, बहू भी बरेली की और प्रियंका चोपड़ा भी सेम नेम सेम भाई, तो भाभी भी कम नहीं है हमारी। पिटारा पिटारा मारेंगे इसे, डिलीट कर दो नहीं बाबू इतना मारेंगे। ये डिलीट तो नहीं होने वाला। और दूसरी बात साड़ी की बात आते आते हमें किसकी याद आई बुआ? तृप्ति की। किसकी याद आई बुआ? सुनी नहीं रही है अभी क्या बोली थी, किसकी याद आ रही थी? तृप्ति की याद आ रही थी। तृप्ति क्या कह रही थी? नहीं मम्मी मोटी नहीं, मम्मी फिट है इस एज में, है ना? तृप्ति भी यार मिसिंग यू, जल्दी से आ जाओ। अब तो तुमने खिला दिया, इधर मेहंदी हो गई कुछ गड़बड़। देखिए एक मेहंदी और एक पार्लर, मेहंदी और थ्रेडिंग कभी लेडीजों के मन की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। हाँ तो बातों में बुआ जी ने, हाँ बुआ जी अपनी रिंग दिखाएं जरा, यही रिंग बुआ जी की इंगेजमेंट रिंग है। बुआ जी ने भी बताया और कितने इयर्स हो गए बुआ जी इंगेजमेंट को? 36 इयर्स ओल्ड ये रिंग है। और बुआ जी कह रही है कंटिन्यू पहना बुआ ने, है ना? तो भैया मिल गए अब बुआ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, उनको ना याद होगी उनकी एंगेजमेंट। नहीं आपकी कंफ्यूजन, उनको ना याद होगी उनकी एंगेजमेंट कब की है। नहीं तो हमारी 29 साल हो गई है। हाँ तो बुआ जी अपनी बता तो नहीं, कितना हो गया आपका? आप ऐसा करके ऐसे नहीं है,
85 में हुई है आपकी, वाह इतनी पुरानी रिंग देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और एंगेजमेंट रिंग है भाई, कोई ऐसी ऐसी रिंग रौनक हुआ। मेहंदी लगाते लगाते मुझे याद आई मेरी माँ की, और मेरी माँ को पसंद है केवल ना गोल गोल बीच में लगा लेना और ये इतने इतने पोर भर लेना, वो सबसे बेस्ट मेहंदी होती है। ना किसी आपको ज़रूरत पड़ती किसी और की, कोई मेहंदी लगाने आए वेट करना पड़े, और वो सच में लगती भी, आप कितना भी डिज़ाइन लगवा लो कितना भी, लेकिन वो एक मेहंदी है जिससे कभी मन नहीं उठता। मिस यू माँ। कि एक हाथ में लग चुकी है मेहंदी और दूसरे हाथ में लगना स्टार्ट हो गई। बुआ पसंद आ रही मेहंदी हैं? बहुत अच्छी लग रही है। देखा जिसको मैंने बुलाया कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है, फिजा है ना। अब कुछ नहीं बोलेंगी, सारी सारा इनका जो मन है उस मेहंदी में ही लगा है। 6 बजे कितने बजे का मुहूर्त है? 6-7-8 बजे का। सुबह हमें उठा ना लीजिएगा, उठा देंगे उठे सुबह, हम ना पहना पाएंगे साड़ी, हम बता रहे हैं आपको। तुम दौड़ के पहना, अभी हमारी नींद डिस्टर्ब करेंगी। नींद इतनी क्या, एक साल भर का एक त्योहार पर सूट पहन के चली जाइएगा वही पहली जगह जाके। 31 को तो आई छुट्टी है, उस दिन खूब सो लेना। हाँ 31 तो काली तो है तो रात में सो लेना, रात में जागरण करोगी तो रात तो सोएंगे ही सोएंगे हम। हाँ। सुबह ना उठ पाएंगे इतनी जल्दी, रात को उठती है एडिटिंग मेरा बच्चा मुझे कहती है सो जा सो जा सो जा। अरे मेरी लाडो बुआ रही है, वो कह रही है पीछे मेहंदी रहने दो, और हम कह रहे हैं लगाओ इनके मेहंदी जो नहीं उलझन क्यों लग रही है। एक साल में एक बार त्योहार आता है, जिस तरीके से एक बार हमको उठाएंगी साड़ी पहनाने के लिए उसी तरीके से लगवा लीजिए, बिल्कुल अच्छे से लगाना जम की फिजा है। समस्या है मेहंदी लगनवाने वालों को भी है, क्या कही थी बुआ? नहीं क्या कही थी, लगा छुटाने को तो जल्दी से छुटा लो, लगवाने में बहुत आफत आती है जब रचती है। हम ये कह रहे हैं कि लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है। हाँ। और छुटाने मिनटों में छूट जाती है। हाँ तो फिर सुंदर भी तो लगती है, तो टाइम तो लगेगा ही, मेहनत हम बता रहे हैं। अच्छा मेहनत बता रहे, बुआ रही है ऊब छोटी वाली ने लगाते और लगवाते लगवाते हमें और पिज्जा को दोनों को लग गई वो, तो हम लोग अब एंजॉय करेंगे क्या गर्मा गर्म मिर्चे। सच में मिर्चे बहुत टेस्टी हैं वो, प्लीज हजा मत। मिर्ची के पकौड़े बोलो, मिर्ची के पकौड़े जो भी है बहुत टेस्टी। अरे बाबा मिर्ची मिर्चा जो भी है तुमसे जो भी है बहुत टेस्टी है। आनी आई है लेट, जिसकी वजह से हमको राखी जा रही है, जाना पड़ा रात में लेने, आपकी मिस्टेक है चुटकी आनी। हाँ क्यों आई लेट आज आप? नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, हम लोग को कभी कभी हो जाता है ना मेरी प्यारी चुटकी। बस एंड हो गया है काम का, और हम लोग निकलेंगे मार्केट राखी लेने के लिए। ओके अनाया रेडी कर दे अनाया को। अरे इधर देखो बाबा, बाल तो अपने संभाल लो, हम लोग तैयारी करते हैं। ओके सो हम लोग हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में क्या लेंगे हम लोग? राखी लेंगे, जो कि कल है रक्षाबंधन, राखी लूँगी और स्वीट्स लूँगी, ठीक है ना। हो सकेगा अगर पॉसिबल होगा तो मार्केट का व्यू भी आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं मार्केट। निकल लिए हैं मार्केट के लिए हम लोग, निकल लिए हैं मार्केट के लिए, आ जाए चलो। हमें चाहिए लाइट वाली राखी तो मार्केट में मिल नहीं रही है, इधर भी नहीं है, देखते हैं कोशिश करते हैं। अनाया पसंद कर रहे हो क्या भैया? अनाया ने कौन सी पसंद की अनाया दिखाए जरा ये। ओके अनाया ने दो पसंद की है, लाइट वाली है ना। हाँ ये सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे कलेक्शन है, अभी देखते हैं कौन सी लेनी है। अनाया ने तो पसंद कर ली लाइट वाली है ना, वो आपको कुछ पसंद आया? चले हम देखते हैं। ढूंढ रहे थे लुम्बा, और बहुत प्यारे से लुम्बा हमको हरदोई में मिल गए हैं, एक भैया निकाल लें, दो लुम्बा लेंगे हम, बहुत प्यारी सी दुकान है ये। एक ये हमने लिया है साक्षी, दिस इज फॉर यू। एक ये सुंदर है मीठा। तो हम आए हैं अपनी शॉप पे, आए कम फ्रॉम दिस साइड बाबा, ले लेते हैं स्वीट्स।
अपने भाइयों के लिए हैं। आ जाए ना, गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ, आपको आना है तो आ जाए। इधर रह गया बाबू, आ जाओ इधर आओ, कहाँ रह गए, कहाँ गायब हो रहे हो, आ जाओ आ जाओ। सो हम लोग मार्केटिंग करके यानी कि राखी और स्वीट्स लेके आ गए हैं घर। यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड। आप लोग ऐसे व्लॉग देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देखते रहिए। थैंक यू सो मच, से थैंक यू सो मच।